नीतीश कैबिनेट की चल रही है बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शिक्षा विभाग में नियुक्ति पर हो सकता है फैसला, स्वास्थ्य विभाग में भी नियुक्ति पर हो सकता है फैसला। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जिसमें कि शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली को लेकर फैसला लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता आदित्य झा का। आदित्य, फिलहाल कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, लेकिन उम्मीद अभी भी ये कि शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जल्द बहाली होगी। देखिए पूजा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है, अभी भी कैबिनेट की बैठक चल रही है। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ये ट्वीट किया था कि शिक्षक नियमावली, सातवें चरण की शिक्षक नियमावली को लेकर के उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है, और अब बहुत जल्द जो 3 लाख वैकेंसी रिक्तियां हैं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में, उसको लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। नियमावली बन गया है, तो आज उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में जो 3 लाख रिक्तियाँ हैं उसको लेकर के इस कैबिनेट की बैठक में कोई अहम फैसला हो सकता है। खुद उप मुख्यमंत्री, जिनके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग की भी जवाबदेही है, उन्होंने भी कई बार कह चुका है, सार्वजनिक मंचों से वो कह चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है और सरकार चाहती है कि 2023 में तमाम जो रिक्तियां हैं उसको भरा जाए। पहले भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था कि 2023 का जो वर्ष होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो शिक्षा विभाग में जो रिक्तियां हैं उसको लेकर के आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। जी पूजा जी, आदित्य आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए फिलहाल नियुक्तियों को लेकर तो इंतजार किया ही जा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगने की संभावना आज जताई जा सकती है? देखिए पूजा, कैबिनेट की बैठक का एजेंडा गुप्त रखा जाता है, वो सर जब जब कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाती है और जब ब्रीफिंग होती है तब पता चलता है कि कैबिनेट की बैठक में आज किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है। लेकिन चूंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि नियमावली पर सिग्नेचर उन्होंने कर दिया है और कैबिनेट से बहुत जल्द इसको पारित कर लिया जाएगा, तो उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की जो कैबिनेट बैठक है उस बैठक में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। पूजा ठीक है, आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।